मान बेटे, हमें लगता है पार्टी खत्म करनी चाहिए। वो अब नहीं आएगी और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय एक चीज के। सुना, मिस्टर खुराना की होने वाली मंगेतर उन्हें छोड़कर चली गई है। चली गई है या भाग गई है? इतनी रात में कहाँ गई होगी वो? ऑफिस में नहीं है, घर में नहीं, तो इसके अलावा और कहाँ जा सकती है वो? एक आखिरी बार आपको आंख भर कर देख भी नहीं पाई, जी भर के बात भी नहीं कर पाई और हम चले गए। नहीं मानसो, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अपनी खुशी के आगे उसकी आंखें नहीं देख पाया। उस वक्त कमरे में वो कुछ परेशान तो लग रही थी। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे अभी बात करनी है। अकेले में अगर मैं नहीं समझ पाया तो तुमने बताया क्यों नहीं गीत? एक बार आपको मुझसे बात करनी होगी, एक बार आपको मुझे सच बताने का मौका देना ही होगा। मैं आपसे कैसे भी मिलकर रहूंगी। क्या हमारा रिश्ता इतना ही मायने रखता था तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे बिना कुछ बोले चली गई? इतना ही यकीन था मुझ पे? क्या यही तक का साथ था हमारा? मैं ये नहीं मान सकती कि आपने पूरा सच जाने बगैर देव और नयनतारा का साथ देने का फैसला कर लिया। उनकी बातों का यकीन कैसे कर सकते हैं आपको आपको एक बार मेरी आंखों में देख कर अपना ये फैसला सुनाना होगा कि हर सुबह तुमसे शुरू और हर रात तुमसे खत्म। आपने मुझे हर बार बोला है कि आप गलत का साथ नहीं देते और गलत देव और नयनतारा है, मैं नहीं। तो आप सिर्फ नयनतारा की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते? दादी मां चाहे कुछ भी कहे पर मैं ये नहीं मान सकती कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। दादी मां, वो हम सबका इस्तेमाल कर रही थी। गलती तो हमारी है, हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हम बचपने में आकर देव की छोटी सी गलती का इतना बुरा मान गए और ये घर छोड़कर चले गए। देव हमें बता रहे थे कि आप उनसे अलग होना चाहती, क्या ये सही है? नहीं नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि इस बार देव खुद हमें मनाए। हर बार जब भी हमारा कोई झगड़ा कोई लड़ाई होती है तो हम ही उन्हें मनाते, लेकिन जैसे ही हमने मानवीर जी की सगाई के बारे में सुना, हम परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए फिर आ गए। हम नहीं जानते थे कि वो गीत हमारी परिवार की खुशियों को छीन कर ऐसे चली जाएगी। नयनतारा, आप ही की वजह से हमारी आंखें खुल गई। आप ठीक कह रही थी, सारी गलती उस गीत की थी। उसकी अपनी मंगनी पे ना आने की कोई वजह हो ही नहीं सकती। गीत ने हमारे परिवार की मान की पूरी दिल्ली के सामने बेइज्जती की है और इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके मन पर क्या गुजर रही होगी। हम तो फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे। हमें मान की बहुत फिक्र हो रही है। परसों लगे उन्हें समीरा को बुलाने में और आज फिर किस्मत ने उनके साथ वही खेल खेला। हम समझ सकते हैं दादी माँ, मगर आप फिक्र मत कीजिए। अब हम वापस आ गए, अब हम सब मिलकर मान को संभाल लेंगे। दादी,
नयनतारा एकदम सही टाइम पर आई और एकदम सही सुर पकड़ा है। गीत के लिए इनके मन में सहर भरने का इससे बेहतर मौका दूसरा नहीं हो सकता। और वो अतीत जो गीत और हमारे सिवाय कोई नहीं जानता, बस ऐसे ही दफन हो जाए। क्योंकि अगर वो सच सामने आ गया तो देव के साथ साथ हम भी मुसीबत में आ सकते हैं। क्या करें मीरा, पूरा शहर ढूंढ लिया, गीत का कहीं पता नहीं चला। देव जस्ट काम डाउन, कहीं ना कहीं तो क्यों आई हो? हम सब कुछ ठीक करने के लिए आए। ठीक करने को अब कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कुछ है ही नहीं है। जब तुम इस घर को छोड़ के गई थी ना, और मुझे उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कैसी बातें कर रहे थे? रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होती, जरा सा खींचने से टूट जाए। वाह, हमने भी गीत की तरह बात करना शुरू कर दिया। आई मिस यू देव, आई मिस यू सो मच। मैं चलती हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी मीरा, हमने तो आपको नोटिस ही नहीं किया कि हम दोनों के बीच में कोई और भी खड़ा है। इट्स बीन सो लॉन्ग। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना कि हम कुछ दिनों के लिए देव को अकेले छोड़ के गए और आप देव को मिल गए। आखिर फ्रेंड्स होते किस लिए? अकेलेपन में साथ देने के लिए। और फिर आप तो देव की बहुत अच्छी दोस्त है। पर अफसोस, अब ये दोस्ती वाले दिन खत्म हो गए। मूव ऑन, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, है ना? तुम्हें मीरा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो आगे बढ़ने की बात कर रही हो ना तुम, एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी यहां पे कोई जगह नहीं है। देव, आपको नहीं लगता ये बातें सिर्फ पति पत्नी के बीच होनी चाहिए? मीरा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये यहां क्यों आई है। गीत के बारे में बात कर रहे। तुम्हें ब्रो और गीत के बारे में पता चल गया ना, अभी उनकी जिंदगी खराब करने आई हो तुम। मीरा, मीरा को सब कुछ पता है। सब कुछ? हाँ। फैक्ट, मीरा ने वो किया है जो तुम नहीं कर पाई। मीरा ने मुझे सही रास्ता दिखाया है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं। अरे आ गया, आ गया, आ गया मैं। अरे पुत्र आ गए, आदि जी भी आए हैं। सत श्री अकाल जी, की हाल है? भाई सबसे पहले ये बताओ कि मेरी बेटी गीत की मंगनी कैसी हुई? आप लोगों ने बड़ी मस्ती की होगी और भांगड़ा भी किया होगा। ढूम टक टक ढूम ढूम टक टक। लेकिन पुत्र आदि, आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे। चुप क्यों बच्चा? लोग कुछ बोलो ना। पापा, वो मंगनी नहीं हुई। मंगनी नहीं हुई?
मंगने से पहले कहीं चली गई। चली गई जी पापा, मुझे भी कितनी हैरानी हो रही है कि ऐसे कैसे मंगनी छोड़ के जा सकती है। अचानक गायब हो गई, पता नहीं कहां गई। मैं आपको बहुत पहले बताना चाहती थी, पर मुझे डर लग रहा था कहीं आपको सच पता चल गया तो आप क्या कहेंगे। मैं प्रेग्नेंट हूं। कारण शायद मैं जानता हूं। अंकल प्लीज, अगर आप कोई राज जानते हैं तो प्लीज हमें बताइए। हो सकता है वो राज जानने के बाद आपकी हेल्प से आंसर और की को मिला दे। हमारा घर छोड़ने से पहले गीत ने मुझसे एक बात कही थी, शायद यही बात वो मान साहब से कहना चाह रही हूं। बेटा गीत प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। प्रायश्चित मीरा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सोच के आप देव को इस तरह के मशवरे दे रही हैं? मैं सिर्फ देव के बारे में सोच रही थी, उसके भले के बारे में। यही तो गलती कर दी आपने कि आप सिर्फ देव के बारे में सोच रही थी। पर आपसे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? आप आखिर है भी तो देव की सिर्फ दोस्त। लेकिन हम देव की पत्नी हैं, खुराना खानदान की बहू, इसलिए हम सिर्फ देव के बारे में नहीं बल्कि देव के परिवार के बारे में, परिवार की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं, किसी अनजाने मेहमान के बारे में। नयनतारा, देव इतना एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं, हम आप ही के पास आ रहे थे। अब आप हमें बताएं कि आपको क्या ज्यादा प्यारा, आपका परिवार या कुछ और? देव, अगर आपने मान और दादी मां को सारी सच्चाई बता दी तो आप जानते हैं ना कि उनके साथ क्या होगा। जीते जी मर जाएंगे वो दोनों। ये सिला देना चाहते हैं आप? बोलिए देव, जवाब दीजिए। आप अपने परिवार को इतना बड़ा दुख देना चाहते हैं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप दादी मां और मां को जीते जी नहीं मारना चाहते तो आप अपने गुनाहों का कभी भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गीत की सच्चाई जानने के बाद गीत आपकी पत्नी थी, आप जानते हैं मानवीर जी पर क्या गुजरेगी। हमें सच्चाई को बाहर नहीं आने देंगे। देव में चलती हूँ, नयनतारा सही कह रही, ये पति पत्नी के बीच की बात है। ये कैसे हो सकता है अंकल? मेरा मतलब है कि उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। एक बेईमान शख्स की वजह से गीत और उसके परिवार को बहुत बड़ा धोखा खाना पड़ा, और उसी बेईमान शख्स को ढूंढने के लिए वो दिल्ली आई थी। उसी बेईमान शख्स के लिए
पति सर, यही वो बात है। जरूर इसी बात की वजह से वो मंगनी छोड़ के चले गए। पता नहीं मानसर उसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। पति सर, हमें मानसर से जाकर बात करनी चाहिए। अब यहाँ से कहाँ जाओ? दादी माँ के कहने पर घर तो छोड़ दिया, पर आज तो चॉकलेट भी कोई मदद नहीं कर सकती। सोल्यूशन है, उनके कान के पास जाके ना जोर से चिल्लाओ और अपनी सारी दिल की बात बता दो, तब जाके वो समझे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, मन की बात बता देनी चाहिए। मगर मैं नहीं बता पाई, इसलिए आज यहां अकेली बैठी हूं। जो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होना चाहिए था, उन सारी खुशियों को अपनी किस्मत नहीं, किस्मत को क्यों दोष दे रही हूं, अपनी बेवकूफी की वजह से खो दिया। बेवकूफी? हाँ, अचानक आंखों के सामने अतीत का एक पुराना पन्ना आ गया और उसके बारे में मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाई। ये अतीत ही तो है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। पर अभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना पड़ता है, वरना जिंदगी भर खुद पर अफसोस रह जाएगा। अफसोस तो होगा, हारने का दुख होता है जब उसे किसी और की बातों पर ज्यादा यकीन होता है। दुनिया चाहे गलत समझे, वो साथ होगा ये उम्मीद रहती है। पर जब वही मुंह मोड़ लेता है तो शीशे जैसा दिल टूट जाता है। हम दोनों कविता जरूर लिख सकते हैं, लेकिन शायद तो मजनू था, लैला नहीं। पता है लड़कियां मजनू की तरह शायर क्यों नहीं बन सकती? क्यों? क्योंकि शायरी के लिए दिमाग चाहिए और हम लड़कियों के पास दिमाग से बड़ा तो दिल होता है। इस दिल का क्या फायदा जो हमेशा एक दुख देता है? नहीं, अगर हम अपने दिल की सुने और उस पर यकीन करें तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है। और दिल कहता है क्यों सही हम उनकी ज्यादती, क्यों चुप रहकर खुद से उन्हें दूर जाने दे। उन्हें एक बार मेरी पूरी बात सुननी होगी। लेकिन तुम उन्हें मिलोगी कैसे, कहां ढूंढोगी उन्हें? तुम कैसे जानती हो कि वो कहीं चले गए?